हेलो दोस्तों, आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि आज शरीर बहुत थक रहा है, आज काम में मन नहीं लग रहा, आज आलस बहुत आ रहा है। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाले जो कि आपको पता नहीं है। पता इन बातों का सभी को है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं कर रहा। यही कारण है कि हम जीवन की इस रफ्तार में पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो इन पांच बातों को जानने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहूंगा कि कम से कम 15 दिन तक इन बातों को फॉलो जरूर करना है, अगर आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं। तो आइए जानते हैं उन पांच बातों को जो हमें सुबह सुबह करनी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और चाहें तो इस वीडियो को आप सेव बटन करके सेव भी कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी भी इस वीडियो को दोबारा देखना चाहें तो आपको डाउनलोड ऑप्शन में यह वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो ये है कि आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है। अब सुबह उठने के लिए आपको सबसे पहले रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा। आप जो दिन भर मोबाइल में और इवन रात को सोते समय भी बेड पर जो मोबाइल लेकर के रहते हैं, उसकी वजह से आपको पूरी रात नींद ढंग से नहीं आती और आप सुबह देरी से उठते हैं। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि बेड पर जाने के बाद आप अपने मोबाइल को टच ना करें। अगर आप मोबाइल को पास में नहीं रखेंगे सोते समय तो बार बार आपका ध्यान मोबाइल के पास नहीं जाएगा और आप सुबह जल्दी उठने में कामयाब हो सकेंगे। सुबह उठ करके हम सबसे पहले जो काम हमें करना है वो है योगा करना। किसी एकांत जगह पर बैठ करके आप योगा कीजिए। कम से कम 15 से 25 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए। वो एक्सरसाइज ज़्यादा हैवी ना हो, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे पूरी बॉडी में आपके ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। इससे पूरा दिन आपका काम में मन लगा रहेगा, शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी और पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। तो दूसरा काम जो आपको करना है योगा करने के बाद, आपको अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के सीधे स्नान करने लगना है। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आप एक हल्का फुल्का नाश्ता नहाने के बाद जरूर कर लें, जिससे कि लंच के समय तक आप बीच में जो भी करेंगे वो आप अपने पूरे मन से कर पाएंगे। कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो यदि आपके पेट में चूहे कूद रहे होंगे तो आप अपने काम में मन कैसे लगाएंगे। तो अब हमने योगा कर लिया, हमने हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली, इवन खाना भी खा लिया, नहा हम पहले ही चुके हैं, एवं अब हमें सारे कामों से हम निवृत्त हो चुके हैं। अब बारी आती है हमें अपने दिनचर्या को स्टार्ट करने की। तो दिनचर्या स्टार्ट करने से पहले आपको केवल एक काम करना है, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है, कि पूरे दिन की एक टू डू लिस्ट आपको तैयार करनी है। टू डू लिस्ट क्या होती है, कई लोगों को यह पता होगा और नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आप क्रमवार यानी नंबर एक, नंबर दो, आप काम जो आपको पूरे दिन भर में करने हैं वो लिखते हैं। टू डू लिस्ट तैयार करने के बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो हमें होल लाइफ, पूरी लाइफ आपको सहयोग करेगा सक्सेस को पाने के लिए। वो सक्सेस आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन को लेकर हो सकती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने की हो सकती है, स्टूडेंटों के लिए पढ़ाई की लेकर के हो सकती है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हो सकती है। तो वो जो पांचवा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको कैसे ना कैसे करके समय निकालना ही है। तो वो पांचवा पॉइंट है
कि समथिंग लर्न न्यू थिंग्स, कुछ ना कुछ आप अपने फील्ड से रिलेटेड नया जरूर सीखें। अगर कुछ लोग यह काम दिन में नहीं कर सकते, सुबह सुबह नहीं कर सकते, तो दिन के किसी अन्य भाग में इस पांचवें स्टेप को शिफ्ट किया जा सकता है, चाहे वो दोपहर में हो या शाम के समय, अथवा रात के समय भी इस पार्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप इस तकनीक को अपना करके देखिए, और अगर आपको फायदा होता है तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। ऐसी और भी कई तकनीकें हमारे पास हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि उन तकनीकों को आप जानना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाला हुआ वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट द्वारा हमें बता सकते हैं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वह भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।